असल अभी शायद एक दो लोग ही जुड़े हैं बल्कि चार पांच लोग जुड़े हैं आ, लेकिन मैं बात शुरू कर देता हूं ताकि जब तक और लोग जुड़ जाएंगे तब तक हमारी बात थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी होगी आ, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो कैप्शन है वो इसका ये है कि वालेकुम सलाम सर कैप्शन आप लोगों ने देखा होगा हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो पनप रही है और उसका कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वो अब दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है जैसे हमारे यहाँ जो मैं अब लाइव चेक नहीं करता था क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कई महीनों तक मैंने लाइव नहीं किया और छोड़ दिया था लाइव करना आ, लेकिन समथिंग अबाउट चला कलान नो दैट्स अ सेकेंडरी थिंग बट आई वांट टू टॉक अबाउट अ वेरी ग्रम इशू प्रॉब्लम ये है कि uh, अब चूंकि छोटे बच्चों के हाथों में माइक और कैमरा लगा हुआ है ये बहुत बड़ी परेशानी है और इस परेशानी ने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा भुगतने पर मजबूर किया कश्मीरियों को इन जनरल आप देख रहे होंगे कि कितने घोटाले हो गए और करोड़ों में घोटाले हो गए और यही कैमरा और माइक ले करके हो गए कितनों को लूटा गया यही माइक और कैमरा ने लूटा कितनों को बदनाम कर दिया इसी कैमरा और माइक ने कई लोगों की इज़्ज़त नीलाम हो गई और किया इसी माइक और कैमरा ने क्योंकि ये माइक और कैमरा किसके हाथ में आ जाएगा और उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा लगभग कोई क्राइटेरिया इसके लिए नहीं है कोई भी गली कोचे या मोहल्ले में आ, कोई भी शख्स किसी भी क्वालिफिकेशन का शख्स माइक और कैमरा लेकर के खड़ा होके अपने आप को जर्नलिस्ट कहने लगता है परेशानी तो तब होती है जब ये लोग कोई रियल इशू पे बात करने के बजाय इश्यूज़ को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उन इश्यूज़ को क्रिएट करने के बाद आ, लोगों को गुमराह भी करते हैं लोगों को परेशान भी करते हैं और कंफ्यूज भी करते हैं और मजे की बात यह है कि इनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई हुई नहीं क्योंकि जर्नलिस्ट बरदरी जो है जो क्वालिफाइड जर्नलिस्ट्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की डिग्रियां की हैं या अगर किसी ने जर्नलिज्म की डिग्री नहीं की है फिर भी वो किसी नेशनल टेलीविज़न के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको भी मैं रे, रेप्यूटेड जर्नलिस्ट ही कहूँगा वजह यह है क्योंकि कोई भी नेशनल टेलीविज़न किसी को यूं ही अपने यहाँ नौकरी पे नहीं रखेगा जब तक वो उस लायक नहीं होगा तो अगर वो लोग सामने आ जाते तो ये जो मीडिया का ये इस वक्त मैनेस है बढ़ता ही चला जा रहा है कि रोज़ रोज़ ये जो है क्वालिफाइड होए बग़ैर ये यानी ट्वेल्थ पास हैं ट्वेल्थ फेल भी हैं कुछ और कुछ अंडर ग्रेजुएट्स हैं तो ये लोग जो माइक एंड कैमरा लेकर के घर घर जाके बवाल मचाते हैं ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जी हाँ दोस्तों प्रॉब्लम असल में क्या है और मैं किस बात पे ये आज बात करने वाला हूँ चूँकि जर्नलिस्ट के बारे में मैं लगभग तीन साल से लगातार फेसबुक पे और अपने सोशल मीडिया के बाकी अकाउंट से अक्सर इस बात की कम्पेनिंग कर रहा हूं कि प्लीज़ जर्नलिस्ट के लिए एक क्राइटेरिया रखा जाए कि आप किसको जर्नलिस्ट बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये किसी की भी इज़्ज़त उछालते रहते हैं और किसी के भी साथ कुछ भी करते हैं और उसके बाद करोड़ों का रुपया गबन भी करते हैं करोड़ों का गपला भी करते हैं जैसा कि आप लोगों के सामने सब वाजह है मुझे एक्सप्लन करने की ज़रूरत नहीं है आ, मैं कुछ वक्त पहले मुझे किसी दोस्त ने एक लिंक भेजा था एक वीडियो का जो फेसबुक पे कोई साहब है वीडियो कर रहा है अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहा है और उसका ये कंसर्न था कोचिंग सेंटर जी हाँ तो कोचिंग का जहाँ तक कश्मीर में बहुत ज़्यादा ये रुझान है कश्मीर में नहीं दिल्ली में जाइए आप आ, बेंगलोर जाइए आप किसी और स्टेट में जाइए आप राजस्थान जाइए इन जगहों पे आप देखेंगे कोचिंग का बहुत अच्छा खासा ये आ, ट्रेंड है अच्छा ये कोई फैशन ही नहीं है हाँ हो सकता है जैसे स्कूल आ, कौन सा स्कूल चूज़ किया जाएगा उसमें पेरेंट्स अब दिखावा भी करते हैं और जिसकी वजह से आ, वो जिसको हम कहेंगे कि आ, बच्चा किसी भी लेवल का हो कुछ भी हो तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे और महंगे से महंगे इंस्टीट्यूशन में दाखिला कराएंगे बच्चे का और उसके बाद रोना रोएंगे कि ये बहुत महंगी फीस लेते हैं खैर तो कहने का मतलब ये है कि कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो एक नीड है वो ज़रूरत है इसको इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कोचिंग सेंटर्स शुड बी बैंड यह मैं क्यों बता रहा हूँ सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं कोचिंग सेंटर में कहीं इन्वॉल्व हूं या कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता हूँ या कुछ ऐसा ये बस इतनी सी बात से आप फैसला ना लें कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीज़न है आप अगर देखें कोचिंग सेंटर्स दो चीज़ों की वजह से बहुत जरूरी है अगर ऑल ओवर इंडिया देखें तो कोविड लॉकडाउन चल रहा है 2020 और 21 में हुआ इंडिया में अगर देखा जाए और हार्डली वहाँ कभी स्कूल्स और कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ बंद रहते हैं हार्डली कभी कभार ऐसा होता है और ये तो कोविड uh, लॉकडाउन में पहली बार हुआ कि इंडिया में स्कूलिंग इतनी ज़्यादा बुरी तरह से इफेक्ट हो गई और कॉलेज भी इतने बुरी तरह से इफ़ेक्ट हो गए ये पहली बार हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ अगर कोचिंग सेंटर्स नहीं भी होंगे तो कोई ज़रूरत है ही नहीं लेकिन वहाँ भी कोचिंग सेंटर्स हैं सबसे पहले नीट और जे वगैरह के जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वो तो ज़रूरी हैं और उसके अलावा आप देखें कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एकेडमिक्स है तो उसमें भी बच्चे जब स्कूल में कुछ ज़्यादा एक्सेल नहीं कर पाते तो वो कोचिंग सेंटर्स का रुख करते हैं और ये आ, हकीकत है इससे आंखें बंद करके हकीकत बदलती नहीं है अब अगर कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर में आप देखें फ़ॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 2008 का देखें 2010 का देखें 2014 का देखें 2016 का देखें 2019 का देखें 20 का देखें और अब 2021 का देखें हमारे बच्चों को स्कूल जाने का मौका कब मिला कब स्कूल ऑन रहे आप ये बताइए सबसे पहले कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे उनको घर पे बिठाया जाता है कभी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर उनको ऑर्ड उनका ड्रामा खेला जाता है और कभी स्टूडेंट्स को ये बोल के घर बिठाया जाता है कि हालात ठीक नहीं है कभी कर्फ्यू है कभी हड़ताल है और कभी बच्चों को अब लॉकडाउन की वजह से कोविड लॉकडाउन की वजह से हेल्थ इश्यूज को लेकर के घर में बैठना पड़ता है सो स्कूलिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे ठप है अब अगर कोई स्कूल यहाँ पे पढ़ाता था कोविड लॉकडाउन में वो ऑनलाइन चलता था तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्कूल्स हंड्रेड सिलेबस कंप्लीट करने में पिछले कई साल से नाकाम है और इसमें उन पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता वो मजबूर है और उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो कुछ नहीं कर सकते चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो वो प्राइवेट स्कूल हो वो डून इंटरनेशनल हो या वो कोई गली का छोटा मोटा स्कूल हो नाउ दूसरा एक पहलू देखें दूसरा पहलू ये है इन्हीं बच्चों को जो स्कूल्स में अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण उन्हीं बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग देने के लिए चंद नौजवान खड़े होते हैं और एक छोटा सा एक बिल्डिंग रेंट पे लेते हैं और उसके बाद उनको वहाँ पे कोचिंग देते हैं और पढ़ाते हैं इसमें सबसे पहले उनको कोचिंग में जो बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ली है उनका खर्चा और आज ये बीस साल पहले की बात नहीं है आपने टेंथ पचास साल पहले किया हुआ है आप कह रहे हो हमारे ज़माने में कोचिंग नहीं चाहिए थी आज चाहिए आज ट्रेंड यही है आज वर्ल्ड चेंज हो गया है आज बच्चों को आ, किन लोगों के साथ कंपीट करना पता पड़ता है किन बच्चों के साथ कम्पीट करना पड़ता है ये ज़रूरी है कि उनको हर सोर्स से इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन मिल जाए उनके पास टीवी भी है तो उसको भी नॉलेज का या इंफॉर्मेशन का जरिया बनाइए उनको टीवी पे भी वही प्रोग्राम्स दिखाइए जो उनको एजुकेशन दे मोबाइल अगर आपके पास है तो उनको वहां से भी एजुकेशन ही दीजिए आजकल ट्रेंड यही है और ज़रूरत यह है ट्रेंड छोड़िए जरूरत यह है तो ये पचास साल पहले मैंने टेंथ किया इसका मतलब ये नहीं मैंने कोचिंग नहीं की थी तो आज भी जरूरी नहीं है आज दुनिया बदल चुकी है शत्रुमुर्ग की चाल खेलना बंद करें इस बात को समझने की कोशिश करें कि बच्चे को इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन देना बहुत जरूरी है आप किसी मामा ताया ताऊ के घर भेज के बच्चे को पढ़ाएं वो भी उसको भी कोचिंग ही कहते हैं लेकिन वहां हमें मोटी रकम फीस के तौर पे नहीं देनी पड़ती बस इतना फ़र्क है अब मसला क्या है चंद नौजवान जो इकट्ठे हो जाते हैं कहीं पर बच्चों को कोचिंग देने के लिए वो बिल्डिंग का रेंट बर्दाश्त कर देते हैं आज कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होगा जब तक गली गली में सीसीटीवी नहीं लगे हों तो उनका खर्चा भी है उसके बाद अगर आ, हीटिंग अरेंजमेंट ना हो बाकी चीज़ें ना हो खिड़कियां दरवाजे विजिबिलिटी क्या क्या नहीं चेक किया जाता है तो ये सारी चीज़ें अवेल करने के लिए मोटी रकम देना पड़ती है और पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है और ये लोग उस इन्वेस्टमेंट को और साथ में जो टीचर्स को दिया जाएगा पैसा उस चीज़ को वसूल करने के लिए बच्चे से फीस लेते हैं इसलिए ये आप, आप इनको लुटेरे कहते हैं इसलिए आप इनको चोर कहते हैं ये कोई बड़ी स्मगलिंग नहीं करते बेचारे ये उस बिल्डिंग का रेंट बर्दाश्त करने के लिए बच्चे से कुछ पैसा लेते हैं जरूर लेते हैं और ट्यूशन फीस के तौर पर लेते हैं जो इनका हक बनता है और कई दिनों से ट्रेंड में चला है कि इनको चोर डाकू कहा जा रहा है तूफान ही मचा हुआ है बवाल ही मचा हुआ है कि एक बच्चे से इतनी फीस ली जा रही है उतनी फीस ली जा रही है ठीक है भाई कोचिंग सेंटर एक ही नहीं है हजारों कोचिंग सेंटर्स से, हैं जहाँ पर आपको कम फीस ली जाती है वहां पर बच्चे का दाखिला कराएं या ठीक है आप बच्चे को कोचिंग ना दिलाएं घर बैठाएं और खुद उनकी गाइड गाइडेंस करें ये अजीब मामला है या तो स्कूल्स के बारे में रोना रोते हैं कि वो महंगी फीस लेते हैं भाई गवर्नमेंट स्कूल में जाओ या किसी दूसरे प्राइवेट स्कूल में जाओ जहाँ फीस इतनी ज़्यादा नहीं है रोना क्या रोना है तो दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले कोचिंग सेंटर एक नीड है इसको आप माफिया नहीं कह सकते सबसे पहले दूसरी बात अगर माफिया है तो माफिया हमारे यहां ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स भी तो हैं ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स एक बच्चे से डेढ़ लाख रुपया वसूल करते हैं साठ हजार सत्तर सा हजार वसूल करते हैं एक लाख रुपया वसूल करते हैं एक कोर्स के लिए और उसके बाद भी आप चूं तक नहीं करते कि इसके साथ गलत हुआ इससे ज़्यादा मोटी रकम हासिल की गई है चंद हज़ार जो बच्चे से ली जाती है कोचिंग के नाम पे वो उसको आप सिरे हाँ ठीक है अगर कोई कोचिंग सेंटर किसी बच्चे से मोटी रकम लेता है तो उससे आप बात कीजिए और उसको बताइए कि भैया मार्केट में इतने ही पैसे दिए जाते हैं आप ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो या तो वो सही होगा या आप सही होंगे लेकिन इसको एक मुद्दा बना के फेसबुक पे एक कंपेन चलाना इन चीजों के खिलाफ आप चाहते क्या है दोस्तों ये वही जर्नलिस्ट हैं जो जब स्कूल्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया जूम पे पढ़ाना शुरू कर दिया तो इन्होंने उसको ऑनलाइन ड्रामा बता दिया और जब स्कूल्स ने यह कर के हमारे सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं है हम कम्युनिटी क्लासेस कराएंगे लेकिन कम्युनिटी क्लास के लिए जगह नहीं मिली तो स्कूल के ग्राउंड में ही किया तो यही थे जो दीवार फार्म के स्कूलों में चले गए और वहां पर ऐसे रेड डाला जैसे वहां पर स्मगलिंग हो रहा था तो इनको ऑनलाइन से भी प्रॉब्लम था इनको कम्युनिटी क्लासेस से भी प्रॉब्लम था और अब इनको कोचिंग से भी प्रॉब्लम है तो ये चाहते क्या है सिंपली ये चाहते कुछ नहीं है ये फजूल के मुद्दे खड़ा कर के लोगों को गुमराह कर देते हैं इनको बस अपनी व्यूवरशिप चाहिए होती है अपने वीडियोस पर मिलियंस ऑफ व्यूज चाहिए होती है और उस पर इनको अच्छा खासा रिव्यून्यू मिलता है गुमराह अगर होता है तो आम पेरेंट होता है थैंक यू सर सो गुमराह अगर होता है तो वो एक आम पेरेंट होता है गुमराह अगर होता है तो सिंपल एक बच्चा होता है रात के बारह बजे भी जब टीचर को कॉल आता है ना कि सर हमारा स्कूल का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट ने स्कूल्स बंद कर दिए थे तो मैं क्या करूं तब टीचर को पता चलता है कि कोचिंग कैसे दी जा सकती है और कोचिंग क्यों जरूरी है जब पेरेंट गली गली घूमकर टीचर्स को ढूंढता फिरता है कि किस गली में मुझे कोई टीचर मिल जाए जो किसी गली में ही बैठ के मेरे बेटे को पढ़ाए या मेरी बेटी को पढ़ाए तो तब पता चलता है कि इस कोचिंग की इंपॉर्टेंस क्या है पेरेंट्स लॉकडाउन में बेचारे दर बदर हो गए टीचर्स को ढूंढते ढूंढते गली मोहल्ले और कोचों में ढूंढते रह गए अपने टीचर्स को कि कौन मेरे बच्चे को पढ़ाएगा और कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करके देगा और अगर ये फैसिलिटीज़ स्टूडेंट को एक जगह पे मुहैया होती हैं जहां उसको घूमने फिरने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर अगर उसको कोचिंग सेंटर का नाम दिया गया तो इसको ट्रेंडिंग क्यों बनाया जाए भाई साहब ये आपने सपना नहीं देखा है कोचिंग सेंटर्स को डेमोनाइज करने का या कोचिंग सेंटर्स को माफिया बताने का ये आ, एक वक्त के एजुकेशनल मिनिस्टर अलता बुखारी ने भी कहा था उसने तो कहा था कि ये कोचिंग सेंटर्स डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं और उसने ये भी कहा था कि कोचिंग सेंटर्स को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बल्कि वहाँ से गुंडे पैदा होते हैं ये उसने कहा था जब वो मिनिस्टर था और बाद में उसको नाक रगड़ना पड़ा क्योंकि बाद में उसको भी समझ में आ गया कि मैं गलत था तो अगर आपको विवरशिप ही चाहिए होती है आप जर्नलिस्ट हैं मैं समझता हूं फेसबुक जर्नलिस्ट है मैं समझता हूं लेकिन अगर आपको विवरशिप चाहिए तो कोचिंग सेंटर्स को डिमोनाइज मत करो और हर चीज को मुद्दा मत बनाओ ऑनलाइन कोचिंग को आपने मुद्दा बनाया ऑफलाइन कोचिंग को मुद्दा बनाया स्कूल्स को मुद्दा बनाया स्कूल्स की फीस को मुद्दा बनाया गवर्नमेंट टीचर्स की ड्यूटी न जाने को मुद्दा बनाया उनके ड्यूटी जाने को मुद्दा बनाया कम्युनिटी क्लासेस को मुद्दा बनाया तो आप चाहते क्या हैं आपको स्टोरीज चाहिए तो फेक स्टोरीज क्यों बनाओगे हर कोई गली-गली में अर्नब गोस्वामी क्यों बनना चाहता है तो सबसे पहले आप मामले की इंपॉर्टेंस को समझा करें आप टेंथ पास करके माइक उठा के जर्नलिस्ट बन गए सबको ये नसीब नहीं होगा इन बच्चों को पढ़ने दो इन बच्चों को पढ़ना है और इन बच्चों को चाहे स्कूल्स ऑन कर लो ठीक है गवर्नमेंट ये एश्योरेंस दे कि 100 परसेंट स्कूलिंग होगी और एक दिन भी ज़ाया नहीं होगा और गेजरेड हॉलीडेज को भी कम किया जाएगा संडेज को भी अवेल किया जाएगा तो कोचिंग करने कौन जाएगा कोचिंग सेंटर्स खुद ही बंद हो जाएंगे लेकिन जब तक एजुकेशनल सेटअप सही से नहीं होता तब तक कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो एक नीड बनी रहेगी और ये हमेशा रहेगी और कोचिंग सेंटर तो आपके स्टेट जे के में नहीं है कोचिंग सेंटर्स दिल्ली में हैं कोचिंग सेंटर्स हर स्टेट में है लगभग कोचिंग सेंटर्स तो हर जगह है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन स्टेट्स में जहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर है दिल्ली में है हरियाणा में है इसी तरह से आप देखें पंजाब में है इसी तरह से आप देखें यहाँ राजस्थान में है तो इसका मतलब ये नहीं कि उन सब का उन सब स्टेट्स में जो एजुकेशन सेटअप है वो ख़त्म है कोचिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है और स्कूलिंग की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है अभी बच्चे दरबदर घूम रहे हैं आ, कि उनको नीट के लिए कोचिंग बाकी चीजों के लिए कोचिंग और इन चीजों के लिए कोचिंग नहीं मिल रही है या इसी तरह से इंटीग्रेटेड एंट्रेंसेस के लिए बाकी एंट्रेंस हजारों तरह के एंट्रेंसेज होते हैं हर एंट्रेंस के लिए कोचिंग होती है तो क्या आप ये सब कुछ बंद कराना चाहते हैं ज़रूर आप ये बात कहें हाँ अब अगर ये मसला है कि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है और कोरोना का डर है बाकी चीज़ें हैं तो उसमें भी जो हमारे ये एक्सपर्ट पैनल्स हैं गवर्नमेंट में लेट दैम डिसाइड व्हाई टू तो मेक इट एन इशू तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये है किसी दोस्त ने लिखा था आप कहना क्या चाहते हो मैं कहना भाई साहब ये सिर्फ ये चाहता हूं कि आप कुछ भी हैं आप जर्नलिस्ट हैं आप माइक और कैमरा लेकर के कुछ भी करें लेकिन फेक इश्यूज ना बनाया करें ये वही लोग हैं कैमरा एंड माइक लेकर के जो फेसबुक जर्नलिज्म के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपया एंट चुके हैं तो इसीलिए इनसे खबरदार रहने की जरूरत है डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए जो चीजें जरूरी हैं वो चीजें रहती हैं और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं वो खुद ही ख़त्म हो जाती हैं उनके लिए कंपनी की कोई ज़रूरत नहीं होती है बस इतना सा कहना था आ, बाकी लोग समझदार हैं आप सभी लोग माशाल्लाह समझदार हैं आप सभी लोग आ, मामलों को आ, बड़े तह तक जाने के बाद समझते हैं और ये आ, उनकी एनालिसिस करते हैं ये बात इसका अंदाज़ा मुझे है आ, लेकिन सिर्फ एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें वो ये है कि कब कौन शख्स आपको गुमराह कर दे ये कहा नहीं जा सकता इसीलिए गुमराह ना हुआ करें और ये फेसबुक ट्रेंडिंग वगैरह इसको बंद किया करें लोग थक चुके हैं आपकी ये झूठी मूठी स्टोरी सुन सुन के लोग थक चुके हैं अब लोगों को चाहिए या लोगों को आपसे ये चाहिए कि आप रियल मुद्दों पे बात करें जो मुद्दे हैं जो प्रॉब्लम्स हैं जो इश्यूज हैं मगर आपने इतना दम नहीं है कि उन पर बात करो नहीं है बिल्कुल भी नहीं है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे वालेकुम